वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर तिग ब्लॉग। मैं हूं डॉक्टर तंजिला कुरैशी, सिटी डेंटल क्लिनिक देवास से। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं टूथ ब्रशिंग टेक्निक के बारे में, यानी कि हमारे दांत हमें कैसे क्लीन करना है, कैसे ब्रश करना है। दोस्तों, हमें ज़्यादातर हमें पता ही नहीं है कि ब्रश करने की भी एक प्रॉपर टेक्निक है। अगर उस टेक्निक से हम ब्रश करेंगे तो डेफिनेटली हमारे दांत अच्छे रहेंगे और हम बहुत सारी गम्स प्रॉब्लम और डेंटल प्रॉब्लम से बच सकते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ये भी बात करेंगे कि हमें कौन सा ब्रश लेना है, किस टाइम पर ब्रश चेंज करना है, कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल करना है और कितने अमाउंट में टूथपेस्ट इस्तेमाल करना होता है, और ब्रश को किस कैसे करें कि हमारे दांत साफ रहे। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं आज इस वीडियो में टूथ ब्रशिंग टेक्निक के बारे में। अगर आप चैनल पर न्यू है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। आइए जानते हैं टूथ ब्रशिंग टेक्निक के बारे में। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं टूथ ब्रशिंग टेक्निक के बारे में, बट सबसे पहले हम नंबर वन पे हम बात करेंगे कि हमें कैसा टूथब्रश इस्तेमाल करना है। हमें दोस्तों सॉफ्ट ब्रिसल्स वाला टूथब्रश इस्तेमाल करना होता है, जिसमें ब्रिसल्स जिसके सॉफ्ट हो, मीन्स हमें ऐसा टूथब्रश, ये ब्रश ऐसा चूज करें जिसकी ये ब्रिसल्स जो सॉफ्ट हो। हमें बहुत ज़्यादा हार्ड वाला ब्रिसल्स वाला टूथब्रश इस्तेमाल नहीं करना होता है। नंबर टू, हमें यूज़ फ्लोराइड टूथपेस्ट, मीन्स जिस टूथपेस्ट में फ्लोराइड हो हमें वैसा टूथपेस्ट इस्तेमाल करना है। और टूथपेस्ट दोस्तों बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, मीन्स ऐसा नहीं कि पूरी सरफेस आप टूथपेस्ट से कवर कर दें, ऐसा नहीं। आपको सिर्फ पी साइज अमाउंट टूथपेस्ट लेना होता है, मीन्स इतना सा, वो आपके लिए सफिशियंट होता है। आपको दोस्तों ब्रश दो मिनट करना है, 2 मिनट से ज़्यादा हमें दांत नहीं घिसना है, और बहुत ही जेंटली, मतलब बहुत ही स्मूथली, स्मूथ तरीके से आपको ब्रश करना होता है। टूथब्रशिंग टेक्निक के बारे में, सबसे पहले हमें टूथब्रश इस तरीके से पकड़ना होता है कि इसका गम्स के ऊपर 45 डिग्री बने, ना कि ऐसे, ये नहीं, आपको इस तरह को 45 डिग्री पे पकड़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको टूथब्रश को ऐसे नहीं घिसना है। हम बहुत बार मैक्सिमम ये इस तरीके से ऐसे घिसते हैं, बट नहीं, हमें इस तरीके से नहीं घिसना है। हमें टूथब्रश को 45 डिग्री पे पकड़ना है और फिर सर्क्यूलर मोशन में इसकी क्लीनिंग करनी है, ना कि ये ऐसे घिसना है। चाहे बैक टूथ कवर करें या फिर फ्रंट, भी हमें ना ऐसे घिसना नहीं है, इसे यहाँ पर भी हमें सर्कुलर मोशन लेना है, मीन्स हमें सारे दांत कवर, मतलब सर्कल में करना है, ऊपर भी जब हम नीचे करेंगे तब भी, ठीक है। पहले आप सर्कुलर मोशन में सारी सरफेस कवर करें, चाहे वो अंदर की भी हो, अंदर भी हमें सर्कुलर मोशन में इसको इस तरीके से सभी दूर क्लीन करना है। उसके बाद दोस्तों, हम जब ये वाली सरफेस कर रहे हैं, मतलब ये टंग के लिंगल पोर्शन, ये वाला पोर्शन टंग के पास वाला, जिमान के पास वाला जो दांत होते हैं आगे के, ये वाले ये कर रहे हैं, तो इसे आपको कैसे करना है, सर्कुलर मोशन में आपने कर दिया, उसके बाद आपको इसको ऐसे ऐसे घिसना नहीं है, उसको आपको इस तरीके से ऐसे करना है, तो आपका आराम से यहाँ से जो गंदगी है वो डिपॉजिट आपका ख़त्म होगा ना। यहाँ पर भी आपको, जब आपने यहाँ अंदर साफ करा है, अंदर वाली पैलेट वाली सरफेस पे, तो ये आपको ऐसे साफ करना है, इसको इस तरीके से साफ कर रहे हैं, मतलब वो वाली सरफेस जिससे हम दांत खाना चबाते हैं। इस सरफेस पे भी दोस्तों हमें ऐसे ब्रश नहीं घिसना है, ये ऐसे ऐसे ब्रश नहीं घिसना है, इस पे भी आपको जय आराम से धीरे धीरे इस तरीके से सर्कुलर मोशन में क्लीनिंग करना है ना। ऊपर भी आप ऐसे ही करेंगे, ये इस तरीके से ना, सर्कुलर मोशन में। आफ्टर ये थी हमारी ब्रशिंग टेक्निक, मीन्स हमें, मैं एक बार और रिवाइज कर रही हूँ, हमें 45 डिग्री पे पकड़ना है और हमेशा सर्कुलर मोशन में करना है, और जब हम ये ऑक्लूजल सरफेस भी करेंगे, यानी कि चेविंग सरफेस करेंगे, इसे भी हमें सर्कुलर मोशन में करना है। पर हमारे ऊपरी दांतों की ऊपरी परत, यानी कि इनेमल, घिस जाती है अगर हम बहुत बहुत तेज तेज ब्रश करते हैं। दूसरा, हमारे गम्स में भी बहुत बार ब्रश से चोट लग जाती है दोस्तों, तो ये चीज़ हमें नहीं करना है। हमने अब टूथब्रश कर लिया प्रॉपर टेक्निक से, इसके बाद हमें फ्लॉस करना है, फ्लॉसिंग करना है। जैसे डेंटल फ्लॉस आता है, बहुत बार ये ब्रश फॉर्म में भी आता है, बट ये मेरे पास नॉर्मल फ्लॉस है, थ्रेड लाइक ना। इसे मुझे क्या करना है, दोनों तरफ इस तरीके से उंगली पर इसको रैप करना है और दोनों दांतों के बीच में ऐसे फंसाना है इस तरीके से, और फिर मेरे को ऐसे ऐसे इसको आगे पीछे करना है, जिससे मेरे जो दोनों दांतों के बीच में, दांतों के बीच की स्पेस में जो गंदगी फंसी हुई है वो साफ हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। इस तरीके से आपको फ्लॉस का इस्तेमाल करना है।
आफ्टर आप कुल्ला कर ले, नॉर्मल वाटर से कुल्ला कर ले। और आपको ब्रश दोस्तों हमेशा 3 से 4 महीने के अंदर हमें टूथब्रश हमारा बदलना होता है। ऐसा नहीं कि एक ब्रश ही आप पूरे साल पीसे, ज़्यादा से ज़्यादा 4 मंथ में आपको ब्रश चेंज करना है। एक बार अपना डेंटल चेकअप ज़रूर करवाएं ताकि आपको कैविटी हो रही है या कोई गम्स प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसका इनिशियल स्टेज में ही ट्रीटमेंट ले सके। ये थी दोस्तों हमारी ब्रशिंग टेक्निक, कौन सा ब्रश यूज़ करें, कैसे इस्तेमाल करें। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप तो कमेंट में ये ज़रूर मुझे बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, या आपके मन में और भी कोई क्वेश्चन है या आपकी कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं ना। थैंक यू।